ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। इस तो अलावा कृष्ण लाल जसबीर सबदिल अते अवतार सिंह नाम दे बाकी चार दोषियों नू भी सीबीआई जज सुशील गर्ग ने उम्र कैद के नाल 50,000 रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस फैसले तो बाद सीबीआई के वकील HPS वर्मा ने दसिया कि राम रहीम मौत तक जेल च रहेगा। रणजीत सिंह कतल केस च दिती गई सज़ा पहला दिती गई सज़ा के नाल ही चलेगी। रणजीत सिंह के बेटे जगसीर ने सीबीआई अदालत के फैसले से तसली प्रगटाई। जो फैसला है हम संतुष्ट हैं। काफ़ी हमारे जो बुजुर्गों ने इतने लंबे टाइम से लड़ाई लड़ रहे थे, हमने एक लौते बेटे के लिए इंसाफ मांग रहे थे मेरे दादाजी, आज उनको इंसाफ मिला है। जगसी, क्या मनोस्थिति क्या रही इतने साल आपकी, क्योंकि बहुत प्रेशर रहा होगा फैमिली के ऊपर भी, इतने बड़ा आप केस लड़ रहे थे, तो कैसी स्थिति रही? फैमिली के फियर में तो रहती है सर, देखो जितना डर तो रहता है बना ही रहता है। हाँ जी, आज फैसला है संतुष्ट? हाँ जी संतुष्ट है। इस तो अलावा सोमवार राम रहीम दी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई सी, जबकि बाकी चार दोषियों नू अदालत विच पंचकुला पेश कीता गया सी। सीबीआई दे वकील वर्मा ने राम रहीम अते चार दोषियों लई मौत दी सजा दी मांग कीती सी, पर अदालत ने उम्र कैद दी सजा सुनाई। इस तो पहला राम रहीम ने अपनी बीमारी अते डेरे वल्लों कीते जा रहे समाज सेवी कमां दा हवाला दे के सजा विच रियायत दी मांग कीती सी। सीबीआई अदालत ने दोहां धिरां दीआं दलीलां सुनन तो बाद फैसला राखवां रख लिया सी। हर उम्र कैद दे जदों 14 साल जां 12 साल हो जांदे ने उदों केस सरकार कोल चले जांदा, सरकार कोल शक्ति है पावर है कि उहनूं माफ़ कर सके। इस करके दूसरी उम्र कैद की अहमियत है कि इहदी उम्र कैद तां हुण चलनी शुरू होएगी। इस केस में जो सरकार ने माफ़ी भी देनी है तो घट्टो घट 12 साल होर रहने पैणगे। जे पहले भी 5-7 साल हो गए, जदों उहनां दे 12-15 साल होणगे उदों माफ़ी का केस चलेगा। तो उस हिसाब से अहमियत यह है कि जिहड़ा उन्हां दा माफ़ी तो जे सरकार माफ़ी भी देना चाहे तो उन्हें काफ़ी देर इंतजार करनी पड़ेगी, अपीलें चलदी रहनगियां। वैसे मेरे हिसाब से उम्र कैद बैटर है, क्योंकि जिहड़े पाप है थोड़े सामने आ जाते। वड्डे पापी नूं जे तुसीं सजा दे दोगे तो वह शहीद बन जाता है, वो जिहड़े फॉलोअर्स होणगे हौली हौली उन्हां नूं पता लगेगा कि जिहनूं संत समझदे सी जिहनूं रब समझदे सी रब नहीं है, वह बिल्कुल आम मनुष्य है, थानूं बेवकूफ बनाया। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2003 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। CBI ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 'ਚ CBI ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।
मनीषा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज पति पत्नी च झगड़ा सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश यात्रा बुरी संगत जां नशा छुड़ाना बीमारी च दवा ना लगना वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी जां कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो। तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठकरनी लव मैरिज सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनपन जद उटोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जद तोड़वाओ रुसे नू मनाओना। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।